संदीप गुप्ता, कृष्णा कम्युनिकेशन। संदीप जी, आज के बजट से आप कितना, आपको क्या लगता है कि बजट फायदेमंद है? ये बजट हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि कोरोना जब से स्टार्ट हुआ था तब से हम लोगों का काफ़ी नुकसान हो चुका है। हम लोगों ने सोचा था कि मोबाइल में या मोबाइल के रिपेयरिंग पार्ट्स में सरकार कुछ टैक्स में कमी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आज भी हमारे पास जो स्टॉक है वो भी महंगे दामों पर ही है। ना कोरोना काल में हमें मदद मिली, ना अभी भी मिली है। अच्छा, जो मोबाइल सरकार कह रही कि मोबाइल सस्ते दामों में मिलेंगे, तो ऐसे में जो माल स्टॉक रखा है, क्या उसको उसी दाम में बेचने में आपको नुकसान तो नहीं होगा? नुकसान होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने तो महंगे दामों पे ख़रीद रखा है। कस्टमर आज की डेट में ऑनलाइन परचेजिंग करता है, ऑनलाइन चेक करता है हर चीज़, उसमें तो उसको आज के रेट दिखाई देंगे, और जो हमने महंगे दामों में ख़रीद रखा है हम सस्ते में कैसे बेच पाएंगे, वो तो हमारा पूरा पूरा नुकसान है। पंकज, आज केंद्र सरकार की बजट में आर्टिफिशियल ज्वेलरियाँ जो है उनके दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या किस तरीके से देखते हैं बजट को? देखिए, पहले भी कोरोना काल से भी वैसे दाम बढ़े थे और अब भी बढ़े हैं। पहले भी कोरोना था तो कस्टमर आते नहीं थे, तो इसीलिए जो दाम बढ़े हैं मैं ये चाहता हूँ कि उसी बजट पे चले। दाम बढ़ने से कस्टमर कम होंगे? जी बिल्कुल कम होंगे। क्या नाम है आपका? रजनी सिंह। आज जो बजट आया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी नहीं, मैं इस बजट से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि ना ही हमारे गैस सिलेंडर के दाम कम क्यों हुए हैं, ना ही खाने पीने की चीज़ों पे दाम कम किए गए, और यहाँ तक कि स्कूल बच्चों की फीस हम गार्जियंस देते हैं, बहुत ज़्यादा फीस जाती है, उस पर भी कोई सुनवाई या कोई बजट पारित नहीं किया गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।